देखो हमारे हंसू आ जा, देखो जब उनकी कहानी बताओ, जब बस हम किसी का बता नहीं है, देखो हम बता यही से माता रानी हम आपका प्रचार यमास खां ढारवे सबको जा रहा अपने अपने क्षेत्र पे, हमने कि हम माता रानी ना जा हमारा दर्द घटाओ तो हम अपने सोमवत यमास खां धारण जाए, हम सोमवत यमास खां गए। ई के बाद में हमें दर्शन दे माता रानी ने, दर्शन माता रानी आए हमारी फोटो है, बोले दादा तो इतना की बच्चा को ध्यान करो, तो हमने माता रानी ने जाओ माता जी ओते माता रानी से एक विनती करो, उनसे उनके परिक्रमा लगाओ और उनसे विनती करो वे माता रानी आपकी व्यवस्था सही कर दे। अबे बोलने लगता है लगड़ा दौड़ने लगता है, जो मतलब पैरों से चल भी नहीं पाते थे वो आज फटा हुआ है, ये माँ की कृपा से ही अपने आप खराब हो गया है, उन्होंने ही खराब कर दिया कि इस पे मत चढ़ाओ, इसको जिसने भी चढ़ाई वो गलत किया, क्योंकि बब्बा जो काम करते हैं भक्तों का तो क्या होता था, हमें खुजली होती थी, खुजली होती थी। तो ठीक हो जी दोस्तों, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल महोबा के रस में। दरअसल दोस्तों आज हमें ऐसी जगह पर पहुंचे हैं जहां महाराजा छत्रसाल की नगरी छतरपुर जिले में एक छोटा सा गांव पड़ता है अलीपुरा। आपने पथरिया माता का तो नाम सुना ही होगा बुंदेलखंड में, जो आप चर्चा का विषय बन चुका है, सभी लोगों ने बहुत से वीडियो आपको यूट्यूब पे देखने को मिलेंगे, लेकिन आज हम उसी शख्स से मिलाने वाले हैं जिनको पथरिया माता ने स्वयं आकाशवाणी से सपना दिया था, या कुछ जो उन्हीं के द्वारा हम जानेंगे कि क्या उनके साथ घटना घटी थी वो सब आज बताएंगे। तो उन्हीं के घर पे आप थोड़ी नज़र घुमाएंगे, यहाँ पर कि घर की स्थिति भी देखिए किस प्रकार से उनका घर बना हुआ है, एक टपरा टाइप में बना हुआ एक छप्पर जिसको कहते हैं बुंदेलखंड में। आज हम उन्हीं से मिलने वाले हैं और आपको दिखाएंगे कि आखिर उनके साथ क्या क्या घटना घट। तो यहाँ दादाजी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है महोबा के रस चैनल में। अच्छा दादाजी, तो आप बताइए कि मतलब आपके साथ क्या घटना घटी थी। श्रीमान हमारे पैर तो पैर, अच्छा हम पैर के लाने माता रानी के पास में गए, हमारी उनने एक उतना ही हमारी उनने पीड़ा मिटा दई। इसके बाद में हम यहाँ आए, हमने घर घर वालों ने कही के पीड़ा हमारी मिट चुकी है। अच्छा घर वालों से कही, घर वाले बोले मिटा दई कही आओ, तो हमने कही श्रीमान ऐसा है कि अब हम फिर भी जा रहे होते हैं, हम हाला माता रानी के अगर फिर भी गए, देखो माता हमने उनसे विनती करी कि माता रानी आपने हमारा दर्द मिटा दो, लेकिन अब ऐसा करो कि हम अगर आपकी प्रचार कर दें अपने गांव में तो माता रानी ऐसी पीड़ा हटाइए सबकी, आप खाएं तो कुछ ना मिले न जनता आपकी दे, केवल हमारी मांग हती एक लोटा माता रानी कि तुम्हें एक लोटा जल यहाँ मिलेगी, जंगल में है तभी कोई नहीं पूछ रही उन्हें, कम से कम कई प्यारी गुजर गई जबकि मैं पड़ी हूँ वहाँ, उनने हमारी इतनी मतलब पीड़ा हटा दी। अच्छा अब इसके बाद में हम बता रहे अपना गांव ना हो, हम हैं मल्ले बनकर अलीपुरा जिला छतरपुर। अच्छा इसके बाद में हमने फिर करो प्रचार, आदमी गए यहाँ से, हम आए यहाँ से को दो चार बैरें, उनकी भी पीड़ा हटी, जब उनकी पीड़ा हटी फिर इसके बाद में हम गए चौथी इतवार को, तो हमें होते आकाशवाणी आई, आकाशवाणी आई के हे बब्बा तोरी तनक कसर रही, इसके बाद में तो खां आराम मिले और तो खां इतना हम संग दे रहे, इतना संग दे रहे, देखो हमारे हंसू आ जा, देखो जब उनकी कहानी बताओ, जब बस हम किसी का बताओ नहीं है, देखो बता यही से माता रानी हम आपका प्रचार करके आपके यहाँ एक लोटा जल मिले, सबकी पीड़ा हटाइए माता रानी, आला लग गए हम आए यहाँ से दो चार बही ना गई, उनकी पीड़ा बिल्कुल वही दिना उनने पीड़ा हटाई तुरंत मिटी, ये बात नहीं है श्रीमान। अच्छा इसके बाद में अब गए हम मतलब तो लड़का हतु एक, जब हमारा जवाब बहुत एक बानिया को लड़का हतु, फिर गए हम सोमवत यमास खां ढारवे सबको जा रहा अपने अपने क्षेत्र पे, हमने कि हम माता रानी ना जा हमारा दर्द घटाओ तो हम अपने सोमवत यमास खां धारण जाए,
हम सोमवती जमास खान गए। इसके बाद में हमें दर्शन दे माता रानी ने। दर्शन कैसे दे के हमने एक परकमा लगाओ कोई ना हाथ होता है। इसके बाद में हमें दो डोकरियाँ या हमने दूसरा परकमा लगाओ दो डोकरियाँ बैठी रहा अगरबत्ती से लगाओ। हमने समझी कि हमारे गांव की हुई हैं या चरवारी की हुई हैं। हमारे परकमा पूरे हो गए। हमने पाँव बिंदी करी। पाँव बिंदी करके जैसे हम खड़े भए सोते आलोक हमें ना दिखानी गायब हो गई। गायब हो गई। अच्छा इसके बाद में हमने कही ये चरवारी की हुई हैं अलीपुरा की हुई हैं। हम तुरंत रोड चढ़े ना हमें चरवाई कहाँ दिखानी ना अलीपुरा कहाँ दिखानी। बेमाइके में समाप्त हो गई। मतलब माता ही थी वे माता जी खास माता जी डोकरियाँ थी दो जनी वहाँ अगरबत्ती से लगा उठती। हमने ये माता रानी आपने आकाशवाणी में बात तो करी सो करी लेकिन आप दर्शन दे लेकिन हमसे कछु नहीं की वाले हो गए। इसके बाद में हम तो खड़ी खड़ी रोत भी रहे। देखो बता अच्छा अब इसके बाद में हम आए हमने घरे बताओ कि हमें आज मतलब माता रानी मिली। बोले हाँ माता रानी मिली। हाँ कोई विश्वास नहीं कर रहा था। कोई विश्वास नहीं कर रहा। अब इसके बाद में अब आए एक जने कानपुर के। अब जी अबे आए कानपुर के आए भाई। तो अब भी हम आए ठिया पे जब हम बैठे थे हमें कॉमेडी से मतलब नहीं है ना हमें दान पेटी से मतलब है केवल हमें माता रानी से मतलब। वहाँ हम बैठे हमने परकमा लगाओ। परकमा लगा के बाद में हमें माता रानी होता परी मिली। हमने माता रानी से विनती करी तो सवेरे 8 बजे से मनाऊ माता रानी से बात करत करत 2 बजे उन्हें आराम मिलो। आराम जब मिलो तो फिर आए अपनी जे मेरी जो बारे आए। अच्छा बे बोले दादा हम तो मैं तलाशत फिर रहे मल्ले बनकर को कहा हमने मल्ले बनकर हम अइया साहब। बे बोले तो कैसी कैसी घटना भाई आपके संग में। हमने किसी माने ऐसी बात जब आप देख भी रहे उतार भी रहे तो फिर भी माता रानी परी उन्हें उठा के थे पहाड़ दो सो देख लो। सो फिर उन्हें उठा के और माता रानी है पहाड़ हो जब अभी की बात है। अच्छा उन्हें हमने माता रानी हम मनाओ तो उन्हें हाथों कैंसल तो दो नली नली आँख में मुँह से लार बह रही कान से पीप बह रही। हम उन्हें विनती करते ही रहे लेकिन उन्हें कोई मालूम नहीं है कि जो बब्बा का कर रहा हो की से विनती कर रहा हो। हम अपनी माता रानी से विनय करत रहे। अब इसके बाद में जब उन्हें आराम लगो माता रानी का फिर आया आप लोग जय बेटी बारे तो उनने फिर हमसे पूछी तो हमने इतः पाल लो। अब तय पारो हमने माता रानी से विनती करी तो माता रानी ने तो उन्हें आराम दो 2 घंटा बाद उन्हें भी आराम दो कैंसल वाली लड़की का तो बा उठ के बैठ गई। हमने माता रानी के पाँव परे और भाई से हमने पूछी हमने है भाई जो बताओ कि आराम लगो या नहीं दो माता रानी ने। तब वे बोले कि उड़ी हलाई उनने। हमने कि माता रानी हमें बेरा करें सबका आराम दे रही हमारे कान नहीं खोल रही। इसे तम तेज बोली माता रानी। फिर बोली बे तेज बोली दादा हमें आराम लग गओ। हमने कौन सा आराम दो। बोले हमारे कान में कुकोरी लगी जो जलत थी बस जलन बंद हो गई कुकोरी दई उनने। तो हमने फिर विनती माता रानी से करी है माता रानी ना विनती पकौड़ी दो ना खजौरी दो उन्हें आराम दो और माँ से घाव पूरो और मुँह से मवाद जो हो मलामत मुँह से नकारो जो लार डाल रही उसी से लार नकारो। अब माता रानी का हमने फिर भी मनाओ फिर हमने परकम्मा लगाओ फिर हमसे विनती करी। अब विनती करके बाद में फिर लड़की उठ के खड़ी भई जब लड़की उठ के खड़ी भाई तो बा मतलब हमारे पैर को दाई है दौड़ी से हम तो पकड़ गए। हमने माता रानी नहीं माता रानी के पाँव पर कहूँ भी जाइयो स्थान पे और दई देवता के पाँव परियो इत काऊ घोलना के ना काऊ के पाँव ना परियो। इसके बाद में फिर माता रानी ठाड़ी हो गई हाथ जोड़ के बात तक देर खड़ी रही फिर वे बैठ गई। फिर हमने पूछी हे माता रानी कहाँ कहीं आओ बताओ। उनने बताओ कि हम कानपुर के यहाँ। हमने कहा भाई अगल बगल की कहा खास कानपुर की। वे बोले हम खास कानपुर के यहाँ कानपुर की यहाँ। हमने हे माता रानी ऐसे ही प्राते घटाओ ऐसी पीड़ा हारो जी में आपकी और उन्नति हो और इमें जनता बर्बाद हो पैसा कई लग रहे ऐसा हो रहा उस मतलब ये बातें हमने उनसे करी। अच्छा अभी के बाद में
चली गई तो हमने कि भाई इत है इतवार और बुधवार को नियम, वैसे रोज तो कर दिया माता रानी डेली कर रही, लेकिन हमारा नियम है इतवार बुधवार को। तो तम बुधवार खाने आइयो माता रानी, बिला दूर पड़ा थे पैसा लगा थे इसे तम इतवार खा आइयो। तो वे इतवार खाए आई तो लड़की सोबरन की और बढ़िया हंस रही, उन्हें हमसे तर्स कही दादा और माता रानी ने हमारी अच्छी कृपा करी और आपने हमारी विनती करवा दी। हमने माता रानी हमारी से नहीं मतलब वे इतने आओ माता रानी अपने आप काम करती, सो सबका श्रीमान आराम दे रही और सबकी पीड़ा हर रही। और निगाह माता रानी की हो गई अब है इतनी बात कि पांच कक्कड़ लेने अपन हाँ पांच कंकड़ चढ़ा दो माता रानी यहाँ, उसी में वे पसंद हैं। और पांच नीम के पत्ता, जो नीम की पत्ती होती है वे पांच पत्ती नीम की और उतह चढ़ा दो, लेकिन जनता नहीं माना से ढकोड़ा से झड़वा रही माता रानी झाड़ रही ढकोड़ा ले ले के पांच पत्ता नहीं को जाना था। ये बात है और आगे जो है सो सब समाप्ति है। जब से हम अब नहीं मतलब वहाँ पर आप जाते वहाँ पर जा हम इतवार बुधवार को डेली नहीं जात, इतवार खां और बुधवार खां हम हर दफे जात, और अगर जो हम ना जाए तो वे परमेश हमें और कासे देती। मतलब अभी भी अब जाते हैं हम बुधवार खां जाते इतवार खां जाते। ये इनको साक्षात मतलब माता ने सपना दिया था कि साक्षात दर्शन दिए थे दर्शन पहले आकाशवाणी के बाद दर्शन सोमवती अमास का दर्शन दो दुकानियां। फिर जब से मतलब आपने जैसे यहाँ पर आए आपकी मतलब दुख दर्द हो गए दूर हो गए खत्म है। और एक गांव में आए थे तो गांव में सभी लोग ने उन्हें आराम उन्हें भी आराम जो हमने कही वे लोग गए तो उन्हें आराम दो माता रानी ने, ऐसी बात नहीं है। अब तो नहीं पहले भी तुरंत विश्वास कर लिया था मतलब लोगों ने कि नहीं तो पहले विश्वास नहीं करते थे कि पहले माना जो तो माना थे कि पथराई माता है कई जगह की हैं, लेकिन जब हम गए और हमारी उनने पीड़ा हरी वो पीड़ा हरे पे इनने कही जे बगल बा रही हैं जे आ रही जे भाई आ रही इन भाई की पीड़ा हटी इनकी जेठानी है इनकी जेठानी की पीड़ा हटी। देखो बताए लड़का जो ठाणो जे भी गए जब हमने बताओ जब जे भी गए वहाँ इनकी भी पीड़ा मिटी, जे माता रानी है इनकी भी पीड़ा मिटी। देखो माता हम आई का ऐसे जब गई होते है तो पीड़ा हटी उनकी क्या इनने और अपनी सुर कही अपने रिश्तेदार ने बताई भाई ऐसा ही ऐसी माता रानी ने इतना कर लो कि जनता होते समा नहीं रही। देखा जाए लेकिन अब हमारी माता रानी के अंगर कोई काम नहीं हो रहा हो, पैसा चढ़ोतरी जो आ रही हालांकि हमें कोई जानकारी नहीं है ना हमें पता, हम उसे मोह नहीं रखे, हम केवल मोह रखे अपनी माता रानी से, लेकिन उतने काम नहीं हो रहा, पानी की व्यवस्था नहीं हो रही, जनता आ रही तो टैंक भर दे एक ही बेर में टैंक खाली हो जात फिर भी दोबारा भरत नहीं है कमेटी बारे। पानी की व्यवस्था पानी की व्यवस्था पर कम्मा में डूठा है इतने इतने डूठा खड़े बे नहीं पटा रहे ना खुदे रहे हम के अभी रहे नहीं सुन रहे तुम्हारी अब कोई बात नहीं चल हमारी बात कोई नहीं सुन रहा। देखो हम बताए हम कहा तो है हव दादा हो जाए हव दादा हो जाए लेकिन होता ही है उनने तो बस पैसा गिने और गैल धरी तो पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही पानी व्यवस्था बिल्कुल नहीं है सही तो कैसे जनता को परेशानी तो होती है जनता जब... इतनी परेशानी है कि मोल ले ले आए पानी और हम कॉमेडी बन जाके कह रहे कि देखो मोल पानी बिक रहा यहाँ लेकिन मोल पानी ना बिकाओ आप तो ऐसा करो कि बोर करा दो पानी करा दो एक बोर है दूल्हा देव के अंगर लेकिन होते हजारन गड़े लगी काऊ खा जले ही नहीं मिल रहा एक ही नल लगा एक ही नल लगा हुआ है दूल्हा बाबा के पास बगल में है दूल्हा बाबा। पानी की हैरानी हो पानी की व्यवस्था अब और माता रानी जाने और जैसे लोग दूर से आते हैं बिलाद दूर से बहुत दूर से आते हैं तो यहाँ पर रुकने के लिए भी व्यवस्था नहीं है इनकी व्यवस्था नहीं है रुकवे के लाने उत मैदान है पेड़ एड़े है पौधा वौधा लगे उन्हीं की माता रानी के वही के तरह उठाते हैं बैठाते हैं जैसे बरसात में पानी बरसात में पानी बरसात तो कहा है अपने छत्ता ताले होना चाहिए। अब जो माता रानी करावे और जो आपके समाज में सबके आए सो अपने उन्होंने काम करो माता रानी आपको काम कर रही और सेम काम कर रही और ना पंडा है और ना पंडा की जरूरत है। देखो हम बताए माता रानी के अगर आओ अपने विश्वास से उन्हें नघा दी आपकी पीड़ा हटी
और त्वर तो लियो तो ऐसी बात नहीं है कि जो कहो कि महीना में के 15 दिन में अकेले विश्वास रखो माता रानी के माई के हाल के हाल दे रहे। तो कमेटी कहाँ की है? ये इसी गांव से? कमेटी अलीपुरा से है, कछु कछु चरवारी से, दोनों गांव से। दोनों गांव की कमेटी है। तो मतलब आप लोगों ने उनसे मतलब कहा नहीं कि यहाँ पर जैसे दूर से दर्शन करने के लिए माता के आते हैं, या उन्हें जो भी दर्द होते हैं वो एक दिन में तो हो नहीं जाते? शायद में कुछ लोग ऐसे भी आते हैं कि उन्हें 8-8 दिन रुकना पड़ता है, तो वे कहाँ रुकते हैं? यहाँ पर रुकने की भी तो व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था ही नहीं है यहाँ पर, नहीं कुछ व्यवस्था होना चाहिए अकेले। हाँ, कि वहाँ पर कोई चद्दर लग जाता तो बरसात से भी बच सकते थे, जिससे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था लेकर भाव चाहिए, व्यवस्था दालाना 2-4 भाव चाहिए, को कन्या जमाऊ को भंडारा करत तो पानी भी बरसो, तो बताओ उनको भंडारा बेकार जा रहा हो है, उतर कछु छाया बान नहीं है, वे कहाँ धरे? इसे हमारी तो इच्छा यही है, हाथ जोड़ के विनती है कि तेरा 2-1 दालन बन जाए और पानी को साधन हो जाए, लेकिन पानी हमें जरूरी है, सख्त जरूरी है। पानी की भी कमी पड़ती है, अगर रविवार कमी पड़ती है तो जो लोग आते हैं उनको कम से कम कुछ ना हो तो पानी की तो व्यवस्था हो, ऐसी के वो आराम से पी सके। लेकिन वे एकदम बोर एक भी नहीं है वहाँ, एक बोर रहेगा दूल्हा बाबा के पास। मिलत नहीं मिलता है किसी। टैंकर वहाँ पर चलते हैं? टैंकर आते हैं तो 1-2 टैंकर रख देते हैं, वो पानी बढ़ा जाता है। अब उतनी भीड़ में कहाँ से टैंकर भर रहे हैं? आ रही है फिर कहाँ से हो जाएगा पानी? तब पूछिएगा लाखों की तादाद में आ रहा है, बहुत ज्यादा लाखों का चंदा जुड़ रहा है। लाखों की भीड़ में मतलब 1 टैंकर 2 टैंकर लगा देते क्या? जितनी लगा 3 टैंकर बताए। लेकिन जनता को परेशानी पड़ रही है अभी, जनता का परेशानी पड़ रही है इस प्रकार से। पथरियन माता जो बुंदेलखंड में आज एक चर्चा का विषय बन चुका है, उन्हें कि यहाँ पर आज देखा जाए तो पानी की भी व्यवस्था नहीं कमेटी कर रही है, इस पर भाई कमेटी को ध्यान देना चाहिए। कि छात्र दर्शन दिए थे उनको इससे भी कुछ सलाह लें इस प्रकार से। तो इस गांव के व्यक्तियों द्वारा जानेंगे कि मतलब वहाँ पर ऐसी कौन कौन सी मतलब बीमारियों का इलाज और भी हो जाता है, कि इन्होंने तो जो इनके साथ घटनाएं घटी थी वो बताई, और भी मतलब जानेंगे कि यहाँ पर किस किस प्रकार के रोग ठीक हो जाते हैं। कैंसर तक के आदमी सही हो रहे हैं वहाँ, कैंसर तक के आदमी सही हो रहे हैं माता रानी की कृपा। कैंसर के जैसे किडनी हो किसी की खराब वो भी ठीक हो जाता है? हाँ, वो भी ठीक हो जाता है। अकेले ध्यान रखना है माता रानी पे, ध्यान रखो अपनी। जो बोरा है बोल नहीं रहे, बोरा भी खुले, कई बोरा खुल चुके हैं। देखो हम बताएं, जय बोली माता रानी की, जब कोई नहीं बोल रही थी, अबे दिल्ली से आए यही बुधवार को सुबह मोबाइल में फोटो देख रहे हो, हमें देख रहे, हम खड़े थे एक दुकान पे देख रहे भी, जब देखा देखा हमसे बोले दादा जब फोटो देखियो की किया, हमने माता रानी आए हमारी फोटो है, बोले दादा तो इतना की बच्चा को ध्यान करो, तो हमने माता रानी ने जाओ माता जी पोते माता रानी से एक विनती करो, उनसे उनके परिक्रमा लगाओ और उनसे विनती करो बे माता रानी आपकी व्यवस्था सही कर दें, बे खोल दें, लेकिन उतर जाओ इतना बाब माता रानी हमसे पूछो। बोले दादा तो चलो होते फिर हाल जा, हम गए होते माता रानी क्या करके जाने पड़े, तो उन्हें हम परिक्रमा लगवाए, तो बोरा है तो बच्चा तो हाथ पाँव से कमजोर थो, हाथों बच्चे ही थे 10-12 साल को। तो अच्छा, तो उससे हमने माता रानी का मनाओ पथाओ उनसे विनती करी, विनती करके अब हमने उनसे कही के जय बोलो, जय माता की, जय माता की, लेकिन बेगे काय खाओ तो बोलत ना तो बच्चा बोलत नहीं थो। सो अब वहाँ से और लिपड़े हमसे, हमने माता रानी को दाई हाथ करो भैया, माता रानी के पाँव पड़ो और जय बोलो। फिर इसके बाद में जब हमने 3-4 बेर माता रानी से कहा तो बोरा फिर मो बोलो, सो उन्हें जय माता की करी। कहाँ दिल्ली के बे आदमी हैं, लेकिन आए मजूर दिल्ली में जो काम करते हैं, उन्हें फोटो में देखी सभी बुधवार को आए थे बुधवार। हाँ, तो बोरा भी खुलो सभी प्रकार की परसों ही ना सो की बात है, बुधवार की बात।
तो सभी प्रकार की यहाँ पर बीमारियां थी। माता रानी पक्की सुन रही, ऐसी बात नहीं है। तो है उनकी निगाह की बात, जो निगाह में आ गई कब टेम लग जाए और कब तोड़ फोड़ ले लो, सुबह तुरंत दिखा देती। तो यहाँ पर कितनी बार आना पड़ता है वैसे? पांच बार है। तो यहाँ पर मतलब उनकी त्वार बुधवार हमारे नियम है, त्वार बुधवार के यहाँ लेकर जनता रोज आ रही। जनता तो रोज देखने को मिलती आ रही जनता, लेकिन वे डेली सुन रही। हाँ वे डेली वो तेरे न काऊ की जरूरत न काऊ की जरूरत, तो खुद सेम कर रही। लेकिन मान्यता जहाँ तक इतवार बुधवार की ज्यादा, अब इतवार बुधवार हम गए सुबह हम आई ना इतवार बुधवार ही कही, जब उन्हें हमारी इतवार को मंत्र कर दी पीड़ा घटा दी, सो हमने इतवार बुधवार ही कही। इसी प्रकार से सभी लोग आने लगे, यही प्रकार से इतवार खां और बुधवार खां बहुत ही कसके भीड़ वैसे डेली तो आउ सो आउ, मतलब 1500 आदमी डेली जाओ। और कब से कब तक चलती रहती है भीड़ आपको? तो यहीं पर चलती रहती है कम से कम नहीं है 2 बजे रात से और 2 बजे दिन तक, फिर भीड़ तनक छट जाती है। 2 बजे सवेरे की टाइम 2 बजे, 2 बजे से भीड़ इतनी पड़ती है, इतनी पड़ती है, कहते जाम लगत, जाम है तेज लगत, 11 जाम लग रहे, इतनी 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 जनता आ रही। अलीपुरा भर में के और भी चारों तरफ लगता है, चारों तरफ भी जाम लगता है, चारों तरफ लगा ना, हरपाल पर खुदाई जाम ना, महोकंटक खुदाई जाम, लगर जाम ही जाम, रात गाड़ी छिकी रहती, इतना जाम अभी इतनी जनता गिर रही। तो बहुत ही चमत्कार चलता है माता का, माता की कृपा है। हमारी पानी की सुनी तो पानी के एक लोटा जल आपका मिला तो कई लोटा जल मिल रहे, कई लोटा हमारी पड़ते गया थी एक लोटा जल की। हे माता रानी तुम्हें कुछ ना दे जानता, एक लोटा जल जरूर में जंगल में हो आप। तो और भी व्यक्तियों से हम मिलाएंगे यहाँ पर के, मतलब सभी लोगों को यहाँ पर विश्वास है, यहाँ पर पूरे गांव को इस प्रकार से कि माता रानी सभी की सुनती है, चाहे जहाँ से आए लेकिन सुनती हैं, वैसा चाहे किसी भी भावना लेकर आएंगे यहाँ पर तो माता रानी सुन लेती है, माता रानी सुनती है, सबका सही होता है जो पीड़ा है। ये भी माना जाता है कि यहाँ पर बोरा व्यक्ति बोलने लगता है, लगड़ने लगता है, जो मतलब पैरों से चल भी नहीं पाते थे वो आज चलने लगे हैं, ऐसा चमत्कार माना जाता है जो बीच जंगलों में प्रकट हुई है पथरिया माता। आज यहीं पर थे वो, आज यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, आज शनिवार दिन होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि इतनी जनता है यहाँ पर। मान्यता यह है कि यहाँ पर एतवार बुधवार को ज़्यादा मानते हैं लोग, और यहाँ पर एतवार बुधवार के दिन आप देखेंगे तो यहाँ पर एक भव्य मेला दिखेगा। यहाँ पर इतना तो आपको दर्शन करने के लिए भी नहीं माता के मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब परिक्रमा चलता है तो यहाँ से चलता है बहुत दूर तक चलता है, और यहाँ पर कुछ व्यक्ति मिले हैं उनसे भी जानकारी लेंगे कि यहाँ पर कितने दूर तक और कितनी जनता आ जाती है और क्या क्या होता है यहाँ पर चमत्कार। तो भाई साहब आप सबसे पहले ये बताइए, भाई साहब आप कहाँ से हो? इसी गांव चिरवारी के हैं, चिरवारी से हो। तो आपका क्या नाम है? शेख अजीज। हाँ तो मतलब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर लूले लंगड़े विकलांग हर प्रकार के आदमी आते हैं, चाहे परिक्रमा लगाने से सही हो जाते हैं। ये कब से चल रहा है वैसे? सावन के महीने से चल रहा है। तो मतलब पथरिया माता पहले से यहाँ पर थी? पहले से दूल्हा बाबा थे, लेकिन किसी को सपना दिया तो वो आदमी की पथरिया माँ के हम पथरिया माता हैं, तब इसी प्रकार से आदमी आने लगे, सबके काम होने लगे, दूल्हा देवा पथरिया माता दोनों जन मिल के काम कर रहे हैं। हाँ यहाँ पर जो भी भक्त चाहे कहीं से भी आए, चाहे किसी भी प्रकार का रोग हो, अगर उनकी कृपा से माता की कृपा से सब ठीक हो जाते हैं। जहाँ तक मतलब यहाँ पर जैसे कि किडनी फेल हो तो वो भी ठीक हो जाए? माता की मर्जी है, जिस पे मान लो कि एक दो जन की किडनी भी सही हो गई, अभी आए थे तो उनकी भी आराम मिल चुका है उनको भी। तो इतना बड़ा चमत्कार हो रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर लोगों के द्वारा मतलब कहा गया है कि यहाँ पर किडनी भी जो व्यक्तियों की फेल थी वो बागेश्वर धाम भी गए, बागेश्वर धाम से यहाँ आए, जब उनकी किडनी उनको किडनी को आराम मिला, और आराम मिला तब वो घर चले गए, फिर 4 बार फिर आएंगे, 5 बार आता है हर आदमी यहाँ पर। उनको डॉक्टर ने भी मतलब मना कर दिया था, डॉक्टर ने मना कर दिया था, यहाँ आने के बाद यहाँ आने पर उन्हें आराम मिल चुका है तरीके से।
पूर्ण तरीके से नहीं, मतलब रुपया में 80% आराम मिल गया है उनको। अभी वो दो चार परिक्रमा बाकी है, वो आएंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे माता की कृपा से। तो यहाँ पर और भी मतलब होता है कुछ के और भी आपके मन की जो भी अपने मन में लेके आता है कि मतलब हमारा ये काम पूरा हो जाए, तो माता की कृपा से उसका सच्चे दिल से पूरा काम होता है। तो यहाँ पर मतलब बोरा व्यक्ति बोलने लगे, कुछ आदमी बोरा भी बोलने लगे हैं, हाँ लंगड़ा भी खुलने लगे हैं। आपने देखा है कि बोरा व्यक्ति बोले? नहीं देखा है, यहाँ पर लोग दुकान लगाते हैं देखा है, जो लोग दुकान लगाते हैं, हाँ दुकान लगाते हैं, सब लोग बैठते देखते हैं किस आराम मिला, बोलने भी लगे, लंगड़ा भी चलने लगे। इस प्रकार से बहुत ही भव्य यहाँ पर दरबार भी नहीं है ना, यहाँ पर ना मंदिर है ना कोई और है क्या? नहीं कोई झाड़ने वाला नहीं है, सिर्फ दूल्हा देव बाबा पथरिया माता के नाम से काम होता है। कोई पुजारी ना कोई नहीं, माता झाड़ा लगाती हैं प्रसाद नाय का घोड़ा रख के पीछे, हम मुड़ के हाथ जोड़ के दो मिनट के लिए भेजा, वो अपने आप झाड़ा लगाती हैं, वो आराम मिलता है। तो माता भर परिक्रमा लगाना पड़ता है कि और कहीं भी जाना नहीं, पथरिया माता है, आगे दूल्हा देव शंकर जी का शनिदेव का मंदिर है, वहाँ भी परिक्रमा चलता है, यहाँ भी चलता है। तो सभी जगह लगाना पड़ता है कि पहले तो यही लगाना पड़ता पथरिया माता, जिन लोगों को जैसे पता नहीं है कि पथरिया माता भर का लगाना पड़ता है कि और कहीं, दो ही जगह बता देते हैं, जैसे नया आदमी आया जो एक बार हो गया उसको पता रहता है, वो पांच बार यहाँ लगाता है फिर वहाँ जाके लगाता है परिक्रमा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बागेश्वर धाम की फोटो टंगी है, मतलब ये किसने टांगी है पता इसका तो कोई टांग है, लेकिन जो भी आया होगा वो माता के मंदिर पे चढ़ा के गया था, अभी दो चार दिन पहले की बात है, ये फोटो किसी ने रखी थी। कहाँ पर रखी थी? यहीं पर टांगी थी, मैं मातन में रख दी थी, उसका कांच अपने आप चटक गया, फूट गया। फोटो जो आप देख रहे हैं इसमें जो कांच फटा हुआ है, ये माँ की कृपा से ही अपने आप खराब हो गया है, उन्होंने ही खराब कर दिया कि इस पे मत चढ़ाओ, इसको जिसने भी चढ़ाई वो गलत किया, क्योंकि बब्बा जो काम करते हैं भक्तों का, तो बब्बा स्वयं माता की सेवा चरणों में रह के करते हैं और उनके सिर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, जिस किसी ने किया है वो गलत किया है, उनको नीचे रखना चाहिए था। इसीलिए मैं ये चाहूँगा कि कोई भी प्रकार की तस्वीर या कुछ भी उस पे मत चढ़ाएं आप लोग, मतलब कि जो भी मतलब तस्वीर जो भी मतलब और देवताओं की भी मतलब पथरिया माता के यहाँ पर ना चढ़ाएं। जो उनको चढ़ाना है तो उनके चरणों में चढ़ाइए, जैसे बब्बा हैं ये बागेश्वर जी हैं तो उनके नीचे रहेंगे, आप उनके सिर पे मत चढ़ाओ, क्योंकि हनुमान जी हैं ना, वो तो खुद सेवक हैं, तो प्रभु के सेवक हैं और वो माता के भी सेवक हैं, आप माता के सिर पे चढ़ाओगे तो फोटो तो खंडित हो ही जाएगी और उसको भी दंड मिलेगा जो इसको चढ़ा के गया होगा, उस पे नहीं चढ़ाना चाहिए। तो ऐसा ना किया जाए कि मतलब जो मतलब वो देवताओं की फोटो पथरिया माता के स्थान पर चढ़ाई जाए, ये भी गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और भी मतलब यहाँ पर आते हैं भक्त आते हैं, जैसे कि कैंसर वगैरह भी ठीक हो जाता है ऐसा? हाँ ऐसा कई लोगों को हमने देखा है कि जो यहाँ पे आठ आठ दस दस दिन रुकते हैं लोग बाग, जैसे आए हुए हैं तो अभी काफ़ी लोग तो पड़े हुए हैं, तो वो बता रहे हैं कि हम सभी को आराम है, और वो दो चार दिन की कह रहे हैं कि दो चार दिन हम ठीक ठाक पूरी तरीका से हो जाएंगे फिर चले जाएंगे, और जो श्रद्धा होगी वो यहाँ करेंगे। यहाँ काफ़ी लोग भी पड़े हुए हैं आसपास में, भोजन अभी तो भोजन में कुछ व्यस्त हैं, कुछ नहाने धोने में व्यस्त हैं, तो वो लोग अभी चले जम्मू कश्मीर से आए हुए हैं, इतने दूर से भी आ जाते हैं कि जम्मू कश्मीर से भी दिल्ली इलाहाबाद बागेश्वर धाम की दुकानें भी आ गई, यहाँ बागेश्वर धाम की दुकानें भी यहाँ पर आ चुकी हैं, वो कहते हैं वहाँ 1-1.5 लाख रुपया किराया लगता है हमको, हम यहाँ हमने यहाँ कुछ नहीं लगेगा आपको, कोई कमेटी जो तुम्हारी इच्छा हो दान पेटी में करो, कोई पैसा नहीं लेंगे दान पेटी में जो डाल है। तो देखिए दोस्तों, अब हम पथरियन माता के यहाँ से दूल्हा देव बाबा के यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर भी लोग परिक्रमा लगाते हैं, आखिर क्यों लगाते हैं परिक्रमा, ये इसका क्या है रहस्य, आज हम व्यक्तियों के द्वारा जानेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर परिक्रमा लगाते हैं लोग, उनकी क्या मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो यहाँ पर पूछेंगे व्यक्तियों से कि यहाँ पर क्यों लोग परिक्रमा लगाते हैं, आखिर इनका क्या है रहस्य। और देखिए यहाँ पर यादव
पंचू भैया बोर रखवाले, पंचू बोर रखवाले भैया कॉमेंट्री बॉक्स में आए, आपका बच्चा कॉमेंट्री बॉक्स में कहाँ है पंचू भैया? आप कहाँ से आए हो? हम मऊरानीपुर से आए। आपको कुछ परेशानी थी मतलब? हाँ बहुत परेशानी है। क्या आती? बहुत मतलब क्या पिराता था, दुख होता था, क्या होता था? पाँव प्यादे थे बहुत। अभी आए? पहली बार आए हो? हैं पहली बार आए? हाँ तीन बार हो चुके, तीन बार हो चुके। तो मतलब अभी आराम लगा है? हाँ आराम मिला। तो यहाँ पर सभी को आराम लग जाता है मतलब? आपने पथरिया माता के यहाँ पर परिक्रमा लगाई? हाँ लगाए पाँच। और फिर यहाँ पर क्यों लगाते हैं परिक्रमा? प्रेम प्रजापति मौर्य, क्या पता? तुम तो झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं कि कुछ लोग तो कहते हैं कि आराम नहीं लगा, आप कहते हो आराम अभी ज्यादा नहीं लगा, कुछ लगा आराम थोड़ी। और भी कैसे पता लगाया कि पथरियन माता यहाँ पर बैठी है? वो बताया था मोहल्ला भाई ने। पापा आपको कैसे पता चला? वो पापा के दोस्त ने बताया था पापा को। तो इस प्रकार से पता चल गया आप यहाँ पर आ चुके। हाँ तो आपको आराम है अभी? कितनी बार हो चुके? तीन बार आ चुके अभी। तीन बार में पूर्णतः ही कैसे ठीक है कि थोड़ा कम है? अभी ज्यादा ठीक नहीं हुआ, कुछ हुआ थोड़ा सा। हाँ तो बोलो पथरिया माता की, बोलो दूल्हा देव बाबा की। यहाँ पर और भी व्यक्तियों से जानेंगे कि यहाँ पर उन्हें आराम लगता है कि नहीं। और भी देखिए सभी को, जहाँ तक कहा जाता है कि यहाँ पर सभी को आराम लग जाता है। जो भी यहाँ पर आते हैं भक्त लोग, पांच परिक्रमा लगाते हैं, पांच कंकड़ों के द्वारा वह यहाँ पर नारियल तोड़ते हैं और नीम का घोरा रख दिया जाता है। उनसे कह दिया जाता है माता से कि जो भी हमें कष्ट हो माता हर ले, तो माता हर लेती हैं। इस प्रकार से यहाँ पर चमत्कार माना जाता है। जो बीच जंगलों में अलीपुर और चिरवाई के बीच जंगल में प्रकट हुई है पथरियन माता, वहाँ पर इस प्रकार से दूल्हा देव का चबूतरा बना हुआ है, वहाँ पर भी लोग परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ पर और भी व्यक्ति मिले हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे कि यहाँ पर किस प्रकार से लोग। तो दादा आपको आराम है? हाँ भैया आराम तो लगता है, जो कोई भी यहाँ आता है सबको आराम लगता है भाई साहब। आपको क्या परेशानी थी? हमारे जोड़ों में दर्द था भाई साहब। दर्द था, आराम लग चुका? हाँ आराम लगा है। कितनी बार आए? अभी तो तीसरी बार आए हैं। तीसरी बार में अभी हाँ आराम लगा है। खूब तरीके से? हाँ खूब तरीके से लगता जाता है, वैसे धीरे धीरे अभी अभी थोड़ी थोड़ी दर्द है। पूर्ण तरीके से नहीं? पूर्ण तरीके से नहीं। आप भाई सब कब? जय पथरिया माता, जय पथरिया माता की। लोग बताते हैं यहाँ पर कि सभी को आराम लग जाता है, ऐसा ही है जो बीच जंगलों में। आपको इन पथरिया माता और दूल्हा देव के गाने भी इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे जो हमने अभी रिकॉर्ड किए हैं। देखिए यहाँ पर भाई साहब मिले हैं। तो भाई साहब कहाँ से आए हो? मऊरानीपुर से। आपको कोई परेशानी थी? हाँ जी। क्या होता था? हमें खुजली होती थी। खुजली होती थी तो ठीक हो चुकी? हाँ ठीक है, आराम है। कितनी बार आ चुके? हम तीन बार। तीन बार? हाँ जी। झूठ तो नहीं बोल रहे? आराम लग चुका? आराम ही है यार। तो मतलब यहाँ पर सभी प्रकार के रोग होते हैं यहाँ पर? मतलब ये बताते हैं कि हमको दांत खाज खुजली मतलब इस प्रकार से भी रोग होते हैं, तो वो भी ठीक हो जाते हैं यहाँ पर? हर प्रकार मतलब जो भी शारीरिक संबंधित रोग होते हैं सभी ठीक करती हैं माता रानी। इस प्रकार से यहाँ पर प्रकट हुई है पथरिया माता। और मतलब आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर पथरिया माता प्रकट हुई है? मोबाइल पे देखा था, यूट्यूब पे, फेस वॉश पे देखा था, इसलिए आए थे लोग। आजकल पथरिया माता चर्चा में है सभी जगह जी, पूरी चर्चा है, पूरे पूरे जिला में है, पूरे हिंदुस्तान में हो गई, फैल गई हैं पूरे। हर लोग बाहर से आ रहा है अपना, जहाँ जिसको खबर मिल रही वहाँ से आ रहा आदमी। मतलब आपको जैसे वहाँ आपके गांव से कहाँ से हो? मऊरानीपुर। मऊरानीपुर से कितने लोग आ जाते हैं? कम से कम बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं, कम से कम 150, 200, 300 जिसको खबर मिल रही सब लोग आते हैं यहाँ पर। जिसको भी जहाँ जहाँ तक खबर फैल रही है वहाँ के लोग भाग के चले? हाँ तीन बार हो गया मेरा, दो देर उड़ाना है, पूरी रूप से आराम मिल जाएगा। होता है यहाँ पर कि जो भी आते हैं भक्त लोग सभी की इच्छाएं तुरंत पूरी होती हैं।
कि जो भी लोग रोते रोते आते हैं, हंसते 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 जाते हैं, इस प्रकार से बीच जंगलों में माता हैं, बहुत अच्छी माता रानी हैं आप सब लोगों की, थोड़ा आराम दे रही हैं, अच्छी हैं बिल्कुल बढ़िया। तो भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारे चैनल के लिए इतना कीमती समय दिया। तो बोलो पथरिया माता की जय, बोलो दूल्हा देव बाबा की जय। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट भाग में बहुत ही जल्दी और आपके लिए नई खबर और नई जानकारी के साथ। और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।